बचा है। Cheers to this Thailand trip. Hello and welcome back to Raw and Real S Square. So guys, बहुत दिनों के बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग आएंगे थाईलैंड, तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज मतलब आज हम लोग पहुंच गए थाईलैंड। अभी हम थाईलैंड से ही एक्चुअली आप लोगों को हाई बोल रहे और थाईलैंड में आके हमें जो मजा मिल रहा है वो इसको बहुत ज्यादा मजा मिल रहा है, स्वर्ग प्राप्ति मजा यहाँ पे बहुत। तो अभी हम हेलो बोल रहे हैं आप लोगों को थाईलैंड से, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन थाईलैंड। और आज मतलब अभी हम जितने भी दिन रहने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स करने वाले हैं, तो इसी से आज हम शुरू कर रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और बाकी हम सुबह ही पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद ये विला में हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, बस दिस इज नॉट अ फाइनल विला, हम कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। यस गाइस, तो अभी जस्ट हम यहाँ पे सोने के लिए रुके थे, अभी हमारी नींद पूरी हो गई, अभी रात भर नहीं सोएंगे, लड़की देखेंगे। फास्टवर्ड है मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा, फास्टवर्ड हम दोनों लड़की चेकआउट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग इसी ने बोल दिया था कि तुम लोग, हाँ मैंने परमिशन दे दिया है, हाँ कि लड़की देख सकते हो। दिस इज वन टाइम लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस, तो अभी नहीं देखेंगे तो कैसा लगेगा अगर मैं धक्का मार दूं यहाँ पे, इसको तो तैरना भी नहीं आता। लड़की देखेंगे गाइस। एनीवे, तो अभी हमें एक गाड़ी लेने आने वाली है वहाँ पे, हम यहाँ से हम सीधा जाएंगे हमारे फाइनल वाले विला में, और फिर उसके बाद थाईलैंड के फर्स्ट डे में हम क्या क्या करने वाले, कहाँ कहाँ जाने वाले, वो सब आप लोगों को इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते रहिए, देखेंगे, स्टे ट्यून्ड। अभी दूसरे विला तक पिकअप करने आए हैं हमारे टैक्सी, हमारे कैब, तो उसमें हम लोग जाएंगे हमारे मेन विला में, जो आप लोगों को बहुत ही जल्दी हम लोग दिखाएंगे। की कैसे केक नहीं की सुबह सुबह केक के साथ, पानी बोतल से तो जिमाने से सब लो बेला बा, हां पानी बोतल से तो जिमाने से सब लो बा, ओ पानी सानी सब लो लो। वो पहले वाले विला से चेक आउट कर लिया, अभी हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे विला में, वहां पे अच्छे से आप लोगों को दिखाएंगे। वो वाला विला बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग अभी उस विला में इंजॉय करेंगे। हिंदी बहुत दिनों के बाद बात बोल रहा हूँ इसीलिए अटक रहा है, और फिर भी गाइस वी आर रियली एक्साइटेड, मज़ा आ रहा है। आई जस्ट होप अच्छा होगा। यू ओनली होप, और मुझे पता है अच्छा होगा। नीला, आई जस्ट होप थोड़ा मेन रोड की तरफ हो ना, तो हाँ, हमें बस कैब पहले हम लोग सोच रहे थे कि स्कूटी वगैरह ले लेंगे और घूमेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास नहीं है, तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। फसत अगर बैठने वाले से आगे बैठ के कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मज़े, मज़ा 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 आएगा। मजा लगी सीट, अच्छा बाप रे, ओ बर्ता बाप रे क्या दिख रहा है गाइस यहां पे आज, नाइस मजे मजे, लुकिंग वेरी नाइस। ओ भासत रेडी फॉर द पार्टी की बर्ता की चलो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर बाथरूम कॉमन है और इसमें इंक्लूड बाथरूम है। ये है गाइस रूफटॉप, वाओ क्या व्यू है, अलग सा ही फील आ रहा है, मतलब ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप है हमारा, तो बहुत ही अलग दिख रहा है सब कुछ, सब कुछ बिल्डिंग वगैरह वेरी क्लीन वेरी नाइस। वहाँ पर आप लेट नाइट म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, नॉर्मली एज पर लॉ मतलब 10 बजे बाद या 9 बजे बाद कई विलाज में म्यूजिक आप आउटडोर प्ले नहीं कर सकते, यहाँ पर ठीक है, आपको अगर रूफटॉप पे पार्टी करनी है कर सकते हैं, पूल साइड करनी है कर सकते हैं, इधर बाबी की जोन है भैया, मैं वी गो डाउन। ओके, ये भी एक रास्ता है नीचे जाने का, अच्छा ये देख, बट ये थोड़ा सा मजा आएगा इसकी है ना, नहीं नहीं रहने दो। वो कैसा फील हो रहा है तुम्हें भास्वत? मजा आ रहा है,
तो ठीक है अभी हम लोग कुछ खाएंगे शायद, और उसके बाद हम लोग आहिजो अलग अलग म्यूजिक तो प्ले हो जाए ना, ऑलरेडी प्ले हुआ है ফটুয়া গেলে आप लोगों को विला अच्छे से दिखाएंगे अभी, ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहे हैं अभी, मतलब हवा में जा रहा है ऐसे, सिर के हवा से जा रहा है, मतलब ऊपर से जा रहा है, तो बहुत ही मजा आ रहा है अच्छी में, रियली ब्लेस्ड की थाईलैंड में भी हम लोग ऐसे प्लेस में स्टे करेंगे। बोटिंग स्वाइन है अभी हम लोग जाएंगे हमारे थोड़े बहुत सामान लाने के लिए, क्योंकि हमें पास डफली बजा, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो खाने के लिए कुछ लाते हैं और ऐसे कुछ कुछ लाल मतलब मंगवा लेते पहले। पहली बार इंटरनेशनल एटीएम से हम लोगों ने पैसा निकाल लिया गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम लोग आए गए 7-Eleven, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा जो भी सामान चाहिए, फेस वॉश से लेके खाना से लेके पहनने से ले, पहनने वाला नहीं मिलेगा वैसे, पड़े हुए हैं, मुझे लगा यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ मुझे चाहिए एक टूथब्रश और एक ब्रश, वो बहुत ज़रूरत है गाइस अभी टूथब्रश। चलो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या सामान है, सब कुछ है भाई, लुकिंग वेरी नाइस। और अभी हम 7-Eleven में शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि रात को हो सकता है कि हमारा कुछ खाने का मन करे और हमें नहीं मिले वहाँ पे आसपास, तो हम सोच रहे हैं कि अभी से कुछ लेके जाए। ब्रेड तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मिलेगा ही और रात को ब्रेड खाने का मन तो नहीं करेगा, सो मैगी रामन वामन वैसा कुछ लेंगे। सो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को मैं बताऊँगी डिटेल में ब्लॉग्स में ही कि कैसे क्या करना है जब आप प्लान करोगे थाईलैंड का, क्योंकि अभी हम आए तो हमें पता चला है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो एक प्रिंगल्स ले लेते पहले, गर्म है तो हम खा सकते हैं आराम से। चलो चलो थैंक यू। ओ हो तो गाइज आप अभी कुछ थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है कि कैसे चलना है, कैसे क्या कुछ करना है, अभी फर्स्ट डे में फील आ रहा है, कल से हम लोग प्रो बन जाएंगे पक्का। तो हम लोगों ने खाने के लिए भी ले लिया है, अभी हम लोग सभी लोग लंच कर रहे हैं, क्योंकि लंच जो हम रेडीमेड लंच लेके आते हैं 7-Eleven से वही हम खा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे स्विमिंग पूल, फिर उसके बाद हम तैयार हो गए स्विमिंग पूल, अभी फिक्स नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर हम फिर सीधा तैयार होके हम जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट आज, क्योंकि हम वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल पास में ही है। और मुझे लगता है आप जब आओगे ना तो आधा दिन तो आपको चाहिए मतलब सेटल होने के लिए, फिर उसके बाद आधा मतलब मुझे लगता है पहले दिन ही आप लोग वॉकिंग स्ट्रीट चले जाओ, क्योंकि आधा दिन सेटल होने में चला जाता है, सामान लेने में, चीज़ें समझने में, करेंसी, ये सारी चीज़ें, तो बाकी की आप वॉकिंग स्ट्रीट में इंजॉय कर सकते हैं। करने वाले हैं वाइन जस्ट फॉर द फील। चीयर्स टू दिस थाईलैंड ट्रिप। हसत चीयर्स। ইয়া ধৰক মই যে মোৰ ৰুলি আছে ঐ লাখ নহ'ব লাগিব এইটো কি আকৌ। और अभी हम जाने वाले हैं पटाया वॉकिंग स्ट्रीट, मतलब जिसको भी थाईलैंड के बारे में, बैंकॉक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उनको पता ही होगा मैं किस स्ट्रीट की बात कर रही हूँ। बहुत सारी अनोखी चीज़ें होती है वहाँ पे, बहुत सारे अनोखी लड़कियाँ होती है वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि बहुत हिम्मत करके मैं अपने साथ दो लड़कों को लेके जा रही हूँ, पर मेरे साथ दो जो लड़के हैं वो बहुत ही शरीफ है, और मैंने आज बोल दिया उनको कि ठीक है तुम लोग देख लेना, बट आई एम श्योर वो लोग
नहीं दिखेंगे बिकॉज दे आर टू गुड एंड आई ट्रस्ट देम. मतलब उसने परमिशन दे दिया हमें कि लड़कियां इसे एक दो लड़कियों के नाम पे फोन गिर गया उसका. हाँ, तो उसने हमें परमिशन दे दिया कि एक दो लड़कियां देख लेना वहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज आई नो वो नहीं देखेगा. मतलब देख लेंगे. आई ट्रस्ट हिम. कि ट्रस्ट ही मेरे को सबो पर ना एक दो लड़कियां तो देख ही लेंगे क्योंकि थाईलैंड थोड़ी ना डेली आएंगे. एक बार आए तो एक बार तो देख ही लेंगे, है ना फसल. नहीं देखने में क्या है कि नहीं नहीं आप देखेंगे दूर से. हाँ दूर से देखेंगे. दूर से नज़ारा को देख के हम लोग ऐसे ही पेमेंट हमारा हो चुका है क्लियर और अभी हम लोग सीधा जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट. थैंक यू. और गाइस अभी हम लोग आए हैं पटाया वॉकिंग स्ट्रीट और यहाँ पे हम लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं. देखने वाले सब सब कुछ है ना सब कुछ यार सिचुएशन को देखेंगे. और अभी हम आए हैं पटाया वॉकिंग स्ट्रीट. एक इसके बारे में मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ही नहीं पता होगा. मतलब जिनको थाईलैंड बैंकॉक के बारे में उनको पता ही है कि पटाया वॉकिंग स्ट्रीट क्या है. तो हम आए हैं आज कुछ वाइल्ड देखने के लिए और मैं अपने साथ दो बहुत ही शरीफ लड़कों को लेके आई हूँ, भास्वत और सौरभ. भास्वत और सौरभ हम लोग भी सिर्फ लड़की को दूर से देखेंगे, मतलब ऐसे बस देखेंगे. और मैंने सिर्फ इनको परमिशन दिया है कि बस देखना, आज के लिए देख लो, जिंदगी जी लो, क्योंकि इन ये लोग आए भी मेरे साथ ही है, लड़की के साथ. तो बस हम लोग देखेंगे. अरे सामने अधिकार है, आज के लिए उसने परमिशन दिया. आई नो वो नहीं देखेगा. देखेंगे मतलब ऐसे ही देखेंगे, है ना सर. देखेंगे दोनों भाई आज लड़की लड़कियाँ देखेंगे पटाया में. ओए होए कहाँ है, ओए होए विच वे कहाँ है भाई, कहाँ है, लड़के दिख ही नहीं रहे. चलो यहाँ पे इंडियन मुद्रा दिखने को मिल गया हमें. I am mesmerized. मैं देखने वाली हूँ, तुम लोग तो क्या ही देखोगे. Guys, हम लोग बहुत शरीफ हैं इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत नर्वस हो रहे अभी हम लोग. मतलब अच्छा लग रहा है सब कुछ, एनवायरमेंट इज रियली नाइस, बट मतलब आके मुझे नारियल का पानी दिखा और मुझे ये पीने का मन बहुत मन कर रहा है. नारियल पानी तो भाल बोले नारियल वाला पानी क्या खाओ. कोकोनट जूस वन. हाउ मच, हाउ मच, 50 बाट. चलो नारियल का पानी पी लेते हैं ताकि हाइड्रेटेड रहेंगे. अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो ज़्यादा लड़कियाँ देख पाएंगे. एक दो तो देख लेंगे, है ना, एक दो देख लेंगे. वाओ इतना बहुत ही अच्छा अच्छा दिख रहा है. मतलब उसने मिल्क में डाला पहले. वन बहुत धुनिया लगे. लुक्स रियली नाइस. यहाँ के स्ट्रीट फूड शायद बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत क्रिएटिव लगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दिस इज़ फॉर 50 बाट, मतलब 100 रुपये के नाम चाहिए. हम लोग इंडिया में खरीदेंगे तो अराउंड 600. आइस तो बेसी हुई. और अभी दोनों गए हैं 7-Eleven कुछ लेने के लिए और मैं हूँ यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट पे. अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, शुरू होने में टाइम है. मतलब जो भी शो होता है इन लोगों का शुरू होने में टाइम है, बट दिस इज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग. गाइस यहाँ पे बहुत ही अलग अलग किस्म के स्ट्रीट फूड्स है, सी फूड हम लोग ट्राई करेंगे. मास तो मास ओ मास वो है प्रॉन प्रॉन मास है किधर ये ना मास है किधर प्रॉन प्रॉन वो लॉबस्टर चश्मा दूर क्यों पहनी सा इतनी बेअबस.
मजा आ रहा है। प्लेन राइस और बटर चिकन, क्योंकि इंडियन खाना जैसा और कहीं पे नहीं हो सकता। और अभी हम सोच रहे कि यहाँ पे खाना खा के हम थोड़ी देर ऐसे बीच की तरफ जाएंगे और ढूंढ ढूंढ के निकालें, क्योंकि थाईलैंड के खाना तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी वैसे नहीं आती उतनी, तो समझ में भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या मिक्स करेंगे। तो सी फूड हम बाद में कहीं और खाएँगे, पता है वॉकिंग स्ट्रीट में नहीं खाएँगे, तो आज हम खा रहे इंडियन। एग्जामाइन को बोले हुए हैं। एग्जामाइन को बोले हुए हैं। ऑपरेशन। क्या? तो जो दे हो जाए? सक्सेसफुल जो दे हो जाए हो जाए वो। तुम्हें मुझे 20 भात दी बा। मैं भात नहीं दूँ आवे। वो खाने ले इसे भात दी। तो गाइस अभी हम लोग सोच रहे कि हम लोग जाएंगे 7-Eleven। 7-Eleven वहाँ से कुछ खाने वगैरह का सामान ले लेते। 7-Eleven में कितने हो जाएंगे यार? आज इस वीडियो में हम 3 बार 7-Eleven चलेंगे। क्योंकि भात में हो रहा है ना सब कुछ, तो इसीलिए जितना हो सके हम लोग ट्राई करें कि पैसा सेव करें। पैसा सेव करे पर उड़ा जरूर है हर कहीं पे। पैसा भाट दे रहे, पैसा तो नहीं दे रहे, भाट दे रहे। ठीक ठाक चल रहे हम लोग अभी 7-Eleven से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे विला थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। कल हम जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने, फ्लोटिंग मार्केट वो सब एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। और रात में हम लोग सेलिब्रेट बर्थडे। Also guys, मेरे म्यूजिक चैनल में 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तो वी गोना सेलिब्रेट दिस नाउ। सेलिब्रेशन करने वाले हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स के बीचों बीच, तो अभी जाएंगे 7-Eleven, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने विला पे, तो विला में आप लोगों को मिलते हैं। बहुत नींद आ रही है यार मेरे को, बहुत नींद आ रही है तुम्हें? बहुत। यू आर इन थाईलैंड, यू आर इन एन इंटरनेशनल ट्रिप, यू शुड फील वेरी एनर्जेटिक। आई एम नॉट फीलिंग। हाय भैया, हाय शेर भैया, hey bhashar, let's go to 7-Eleven. Hey, takso, he is so energetic. He's so energetic. Let's just see that guy. Unko dekho ba, kya feel hai? He's enjoying, vibing, be, vibe kar rahe hain, bahut acha. Okay. Oye hoye. Sir. Oye ladki, dur se aap bahut sundar dikh rahi ho. Ladki, ab ladki hi ho na? Ab ladki hi ho na? Nahi ho ladki. Thoda sa gadbadi hai. Chaliye guys. Only lady. And we are boys. वो है 7-Eleven, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। That is 7-Eleven. सभी को पता ही होगा, वैसे हम लोगों को इतना पता नहीं था पहले, बाद में पता चला कि 7-Eleven यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर से, जहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ड्रिंक से लेके खाने से लेके, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को रेडीमेड खाने और रेडीमेड चीज़ें मिलेगा जो आप लोग लेके डायरेक्टली गर्म करके खा सकते हो, तो देट इज़ द बेनिफिट ऑफ 7-Eleven. तो हम लोग यहाँ से फ्राइड राइस ये सब लेके जा सकते हैं और घर में हम लोग फ्राई करके, मतलब उसको गर्म करके खा सकते हैं, और बहुत ही सस्ते सस्ते प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा, लाइक 200 रुपीज़ में आप लोगों को 3 फ्राइड राइस विथ चिकन ऐसे मिल जाएगा, तो दैट इज 7-Eleven. यहाँ के स्ट्रीट्स भी इतने सेक्सी है कि देख के मज़ा आ जाता है गाइस. वाओ, वेरी नाइस. स्वीट्स न स्वीट कभी भी खाना, आप लोगों के स्ट्रीट फूड खा पाइब आ पे खाने के लिए डर लग रहा है, तो लेट्स सी. मुझे स्वीट वगैरह खाने का बहुत मन कर रहा है यहाँ. 7-Eleven से ले लो, 7-Eleven से ले लो. हाँ, मैंने स्ट्रीट फूड और स्वीट्स पाई बैठ नहीं लगे. चलो, तो ये 7-Eleven सामान. अभी हम लोग जाएंगे होटल हमारे विला में, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते आज के लिए, कल से अच्छे से घूमेंगे. Up ahead in a distance, I saw a shimmering light. और ये है हमारे विला के गेट बंद करने के निंजा टेक्निक साउंड. इसको रोक दो. ये देखो रिमोट कंट्रोल. वाह, मजा ही कुछ और है. इसके ऊपर चढ़ के आप ऐसे एंजॉय भी कर सकते हो. अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे और उसके बाद जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हैं हम लोग.
कल हमें बहुत कुछ सेलिब्रेट करना है, हमें सेलिब्रेट करना है मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स और उसके बर्थडे, तो बहुत सारे सेलिब्रेशन बाकी है गाइस, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ,